मेरा नाम निशि नेत्री है, आपका स्वागत है डॉक्टर नेत्री यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट है नितिन जी। नितिन जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो। आज नितिन जी हमारे सामने आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं किस पर्पस से हमारे पास हमारे क्लिनिक में आए थे। तो नितिन जी आप बताइए, आप कह सकते हैं कि आप हमारे क्लिनिक में आए थे, हाँ जी मैं आया हुआ था और काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ इनसे भी। मेरे बैक में प्रॉब्लम थी जब लॉकडाउन चला हुआ था, इशू हुआ था, तो वर्क फ्रॉम होम सारे कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, तो इनसे मैंने ट्रीटमेंट किया हुआ था, तो काफी हद तक मेरे को उससे आराम मिला था। और फिर जब मुझे आराम मिला था तो फिर मैंने मेरी मदर को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने का भी मैंने उनका इलाज कराया था उनके उनके पास से, तो उसमें भी काफी रिलीफ है उनको। आप कितने साल से हमारी क्लिनिक में जुड़े हुए हैं, कुछ बता सकते हैं आप? मेरे ख्याल से ये आई थिंक जब आपका 2020 को जब आपका लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ही। बता सकते हैं क्लिनिक के बारे में आपको किससे पता चला, आपने कहाँ से पता किया कि होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर संतोष होम्योपैथिक क्लिनिक के बारे में? नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मैं यहीं पे ही रहता हूँ, कृष्णा पार्क में ही रहता हूँ, तो मेरा ऑफिस आना जाना उसी रोड से ही होता है, तो मैंने वहीं पे ही मैंने देखा था, तो हाँ वहाँ पे। हाँ जी बोलिए। हाँ तो मैंने वहीं पे मैंने देखा था, तो उनसे जाके मैंने फिर बात किया हुआ था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर प्रॉब्लम उन्होंने दवाई वाई दी थी तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। पहले आपने एलोपैथिक कभी कुछ दिखाया? फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक को ही आपने? नहीं नहीं मदर के लिए तो है, मदर के लिए तो मैंने एलोपैथी किया था, बट उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली घुटने की ऐसी है ना जो जा ही नहीं सकती है, वो लाइफ टाइम के लिए रहती है, तो होम्योपैथी से ये है कि रिलीफ तो मिल गया है उनको, और बाकी जो मेरे लिए प्रॉब्लम थी तो मेरे लिए मैं डायरेक्टली उनके पास ही किया था, तो मैं एलोपैथी नहीं गया था। और मतलब मेडिसिन आपको कैसे दी जाती थी, रेगुलर दी जाती थी, आपको क्लिनिक आना पड़ता था रेगुलर मेडिसिन के लिए या वीक में? नहीं एक्चुअली नहीं नहीं वो 15 डेज के लिए देते थे, 15 डेज के बाद फिर विजिट करना पड़ता है। और कुछ बताना चाहते हैं हमारे क्लिनिक को लेकर आप? नहीं नहीं वैसे मैंने देखा हुआ है कि जब मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, मैं अगर उनको बाय टेलीफोनिक भी अगर कॉल करता हूँ तो वो अगर सॉल्व हो सकती है तो वो फोन पे भी बता देते हैं, बाकी नहीं तो फिर क्लिनिक जाकर के जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व तो हो ही जाती है। बस अभी तक तो फिलहाल मेरे पास यही दो ही प्रॉब्लम थी। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करना चाहते हैं कि होम्योपैथिक बेस्ट है कि नहीं है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि होम्योपैथी बेस्ट है, क्योंकि मैंने एलोपैथी करा करके मदर को अपनी देखा था, मेरा तो एक्सपीरियंस है ही, मेरा तो फर्स्ट टाइम में मुझे आराम मिल गया, लेकिन मैं मदर को लेके बहुत परेशान हुआ था। एलोपैथी को लेकर के पहले मैंने वो ट्रीटमेंट कराया, बट उनकी प्रॉब्लम ऐसी है जो एलोपैथी में ठीक हो ही नहीं सकती है, होम्योपैथी में उनको रिलीफ मिल गया है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप होम्योपैथी कराओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी मदर को कितना टाइम लगा था मतलब रिकवर होने में? 3 मंथ्स उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम मुझे बोला था कि इसमें लगेगा। और आपको कितना? मेरे को भी थ्री मंथ्स लगा था। थैंक यू नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके थैंक यू। थैंक यू।